मित्रों नमस्कार। मित्रों आने वाले 3-4 महीने देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश की 100 करोड़ हिंदू आबादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को तो कमज़ोर कर दिया गया है, लेकिन अब योगी को कमज़ोर करने की जो साजिशें हैं वो लगातार शुरू हो चुकी हैं। मित्रों पिछले एक हफ्ते से क्या कहें, अगर तो आप पिछले 1-1.5 महीने से ये जो योगी को हटाने की बात है ये लगातार वायरल है, लगातार लोग चर्चाएं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग बातें कर रहे हैं, आपस में पान की दुकानों पर, चाय की दुकानों पर, जगह जगह गली मोहल्लों में इस तरह की बातें चल रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अब इसमें कितना सच है, इसमें कितनी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है या इसमें कितनी बीजेपी विरोधियों की साजिश है, केजरीवाल का बयान याद आता है जिसमें वो तिहाड़ जेल से निकलने के बाद ये कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद मोदी योगी को हटा देंगे। बहुत सारी बातें हैं लेकिन एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ रही है और वो ये समझ में आ रही है कि योगी निशाने पर हैं। और योगी निशाने पर आज से नहीं है, योगी निशाने पर उस वक्त से हैं जब से उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ उत्तर प्रदेश में ली। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद जब ये बातें शुरू हुई कि मोदी के बाद योगी, उस वक्त से ही लगातार इस बात का प्रचार किया गया कि अगर एक भगवा वस्त्र पहनने वाला सन्यासी योगी और गोरक्ष पीठ जैसी बहुत ही महान पीठ का अगर महंत अगर देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठ गया तो देश स्वतः ही हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये जो कल्पना थी, इस कल्पना से बहुत सारे जो लोग थे जो भारत विरोधी माइंडसेट है, जो राष्ट्र विरोधी माइंडसेट है, उसके जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और इसके बाद से ही लगातार पहले योगी के ऊपर निशाना साधा गया। आप याद कीजिए मित्रों कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय कितनी ज़बरदस्त फंडिंग जो है में योगी को हराने के लिए बाहर के मुल्कों से हो रही थी और खासकर इस्लामी मुल्कों से फंडिंग की जा रही थी। इसका जो जाँच है वो अभी भी चल रही है और इसकी जाँच के बाद नतीजे, इसके खुलासे होने चाहिए कि आखिर इसमें क्या निकला। अगर देखें तो उस समय ये साजिश थी कि मोदी को तो नहीं, अभी फ़िलहाल यूपी में योगी को किसी भी तरह से हटा दो ताकि आगे मोदी कमज़ोर हो जाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाने में ये जो लोग थे ये कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि मैं इस बात को कहने में बिल्कुल ही भी गुरेज नहीं करूँगा कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे अच्छा चुनाव लड़ा। मतलब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से बहुत बेहतर लड़ा था। मित्रों आप याद कीजिए, आप उस समय को याद कीजिए कि जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय राम मंदिर की नींव डाली जा रही थी, उस समय राम मंदिर बनके तैयार भी नहीं हुआ था और प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई थी। उस समय लोगों की कल्पनाओं में एक मंदिर था, एक भावनात्मक मुद्दा था और जब उसकी नींव रखी गई उसके लगभग 3-4 महीने बाद जो है एक वोट पड़ने की प्रक्रिया कहते हैं या फिर ये कहें कि एक पूरी वोट पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और उस समय पूरे देश के अंदर जो माहौल क्या था कि राम की जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कन्हैया मित्तल का आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर तो उनके गाने चलते हैं, तो मैंने ट्विटर पर देखा कि उनका कोई वीडियो ऐसे ही करके देखा मैंने, तो मुझे याद आया कि आप ज़रा देखिए उस समय कि जब यूपी के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो किस तरह से ये गाना पूरे देश में वायरल हो रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चाहे आप उनका सौभाग्य कहें, चाहे आप कन्हैया कुमार का संयोग कहें, लेकिन वो जो गाना था वो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया था। राम मंदिर एक भावनात्मक मुद्दा बन गया था, चाहे कोई शादी का कार्यक्रम हो, चाहे कोई बारात हो, चाहे आप सोचिए कि यूपी में हर जगह पर ये गाना बज रहा था, यूपी ही नहीं पूरे देश के अंदर ये गाना, खासकर उत्तर भारत के राज्यों में ये गाना खूब बज रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यही वजह है कि राम मंदिर उस समय एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा बना हुआ था, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा भावनात्मक मुद्दा बना हुआ था। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बहुत कठिन लड़ाई थी। मित्रों मैं बता रहा हूँ आपको, अखिलेश यादव को हराना इतना आसान नहीं है। अखिलेश यादव को अगर हम पूरी पर्सनालिटी को देखें तो उनकी अगर आप देखिए तो उनका जो पूरा पर्सोना है वो उनको बीट करना इतना आसान नहीं था। और तभी देखिए इतना जोर लगाने के बाद भी, योगी मोदी के द्वारा इतना जोर लगाने के बाद भी किसी तरह से 274 सीटें लेके आए, 275 करीब सीटें लेके आ गए, लेकिन फिर भी जो पुराना आंकड़ा था 300 के पार का वो आंकड़े को तो फिर भी नहीं छुपाए थे उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो पुराने नतीजे थे। तो टफ फाइट दी थी अखिलेश यादव ने, लेकिन इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ इसलिए उस पूरे चुनाव को निकालने में कामयाब रहे क्योंकि उनके चेहरे पर एक हिंदुत्व का भावनात्मक मुद्दा बनने में एक पूरा कामयाब रहा।
और उस समय एक गाना नहीं आया था कोई भगवान राम मंदिर के ऊपर, उस समय मनोज तिवारी ने एक कई कई गाने आए थे, कई कई उस भजन उस समय आए थे जो राम मंदिर से जुड़े हुए थे। मित्रों आप समझिए, राजनीति मतलब राजनीति में कभी भी विकास के ऊपर या अन्य मुद्दों पर चुनाव जीते हारे नहीं जाते, राजनीति में हमेशा चुनाव हारे और जीते जाते हैं भावनात्मक मुद्दों पर, इमोशनल इश्यूज पर चुनाव होते हैं, इमोशनल इश्यूज पर जनता के वोट को कब्जा कर लेते हैं या उनको को ग्रैब कर लेते हैं या जो भी कहो, लेकिन एक इमोशनल जुड़ाव होता है तो ही जो है कोई चुनाव जीतता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी का एक इमोशनल रिश्ता जनता के साथ बना हुआ था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर हुआ है, तभी जो परिणाम है वो अपेक्षाकृत नहीं आए हैं। और कुछ कुछ ऐसा ही हमको उत्तर प्रदेश के अंदर भी दिखा जहां पर कि परिणाम जो है वो अपेक्षाकृत नहीं है। अब देखिए ये जो पूरी विरोधियों की टोली है, जो आप देखिए जितने भी सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, चाहे वो अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो 4PM संजय शर्मा वाले जो उनका यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो प्रज्ञा मिश्रा जो चलाती हैं प्रज्ञा का पन्ना वो चैनल हो, चाहे वो दीपक शर्मा हो, चाहे वो पुण्यभूषण वाजपेयी हो, चाहे वो अभिसार शर्मा हो, ये जो पूरी मंडली है, रवीश कुमार, ये जो पूरी मंडली है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आखिर सबके कंटेंट, इन सबके यूट्यूब चैनल्स के कंटेंट जो है बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, लगभग इन सारे के कंटेंट एक जैसे रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी ये सारे जो वीडियोस हैं, ये सारे के सारे वीडियोस जो है इनके जो होते हैं वो लाखों की संख्या में लोग देखते हैं, करोड़ों की संख्या में लोग देखते हैं। यूट्यूब का जो अल्गोरिदम है वो इनके वीडियोस को ज़्यादा पुश करता है, या फिर मैं अभी देख रहा हूँ पता नहीं कौन सा एक यूट्यूब चैनल है स्ले पॉइंट नाम से, और वो कोई ऐसे ही युवा लड़के हैं जो कि कुछ मस्ती कर मटरगस्ती करते रहते हैं, उसमें कोई ऐसी फर्जी टाइप की बातें भी करते हैं वो लोग। मैंने उस चैनल को बार बार मैं नॉट इंटरेस्टेड कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, लेकिन YouTube फिर भी उसको मेरे चैनल पर लगातार भेज रहा है। मेरे एक और मित्र सचिन भारद्वाज ने भी शिकायत की इस बात की कि उन्होंने कई ऐसे जो गलत वीडियोस उनके YouTube पे आ रहे थे उन्होंने उसको नॉट इंटरेस्टेड किया, उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बार बार उनको वो वीडियो रिकमेंड हो रहे हैं। यानी इससे समझ में आ रहा है कि YouTube का जो अल्गोरिदम है उसने बड़ा खेल जो है चुनाव के अंदर किया है, और इस चीज़ को बीजेपी मुझे लगता है समझ नहीं पाई, बीजेपी का IT सेल इस चीज़ को समझ नहीं पाया। मित्रों मैं आपको बताऊं कि आप तो मेरे साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, हमेशा आपकी हमारी बातें होती रही हैं, और आप याद कीजिए कि मैंने अपने वीडियोस में कितनी बार ये बात कही कि ये सारे जो कि मैं जिसको मैं एक साथ लश्कर मीडिया कहता हूं, ये पूरा जो लश्कर मीडिया है, ये जो हाफिज़ सईद का लैपडॉग मीडिया है, जो आतंकवादियों का लैपडॉग मीडिया है, ये पूरा जो लैपडॉग मीडिया है, इस पूरे लैपटॉप मीडिया की जो बातें हैं वो लगातार बहुत अंदर तक गहराई तक पहुंच रही थी। सबसे पहला मुझे झटका उस वक्त लगा था जब आज से लगभग साल भर पहले की बात है, और मेरे गांव में किसी जानने वाले ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे ये कहा कि वो 4PM वाले संजय शर्मा तो ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, कि छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरीके से हारने जा रही है। जब उन्होंने मुझे ये बात कही तो मैंने कहा आप कैसे जानते हैं इनको, तो बोले हम उनका यूट्यूब आता है, मैं देखता रहता हूँ। आप सोचिए कि बीजेपी का वोटर और वो जो वीडियोस को रिकमेंड हो रहे हैं, वो सारे वीडियोस जो रिकमेंड हो रहे हैं वो इन लेफ्टिस्ट लेफ्ट लिबरल्स के जो वीडियोस हैं वो इनको रिकमेंड हो रहे हैं, और उसको देख देख करके वो लोग भ्रमित हो रहे हैं। और मित्रों जब सोचिए कि जो बीजेपी का कोर वोटर है जब वो भ्रमित हो रहा है, तो सोचिए कि जो बीजेपी का कोर वोटर नहीं है और जिसको कि बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से हाल के 8-10 सालों में अपनी तरफ खींच के लाए, जैसे कि चाहे हम शेड्यूल कास्ट के वोटर्स की बात करें या OBC वोटर्स की बात करें या जो गैर यादव गैर जाटव वोटर्स की बात करें जिनको बड़ी मुश्किल से बीजेपी के लीडर्स जो है खींच के लाए थे, उन सारे वोटर्स के दिमाग में दरअसल यही एजेंडा घुसाया गया कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और हिंदू राष्ट्र बनते ही जो दलित हैं उनको जो है एक कटोरा थमा दिया जाएगा, उनके पीठ के पीछे कमर के पीछे झाड़ू बांध दी जाएगी, उनको गुलामी का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, उनको गुलाम बना लिया जाएगा, उनका आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, अंबेडकर का संविधान मिटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें लगातार उनके मन में इतनी ज़्यादा तरीके से इंजेक्ट की गई कि धीरे धीरे वो कहीं और नहीं देख पाए, वो उसी जो कुएं का एक लिफ्ट लिबरल्स ने जो कुआं बनाया था उस कुएं के मेढक बना दिया गया उनको, और उनको वहां से वो निकल ही नहीं पाए। और ये बड़ी ही चतुराई से बड़ी चालाकी से सारा ये खेल किया गया, और इस खेल में विदेशी ताकतें शामिल हैं, इस खेल में YouTube का जो अल्गोरिदम है मुझे लगता है कि शायद वो भी इसमें एक बहुत बड़ी मदद कर रहा है ऐसे लोगों की। तो अब इसमें सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है,
महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जो सीटें हारी है 272, आप समझ लीजिए कि लगभग 303 सीटें थी उसकी, 240 आई है, लगभग 60 सीटें हारी है वो। तो ये 60 सीटें जो हारी है, इन 60 सीटों के हारने से पहले बीजेपी नैरेटिव की लड़ाई हारी है, बीजेपी नैरेटिव की लड़ाई हारी है। और नैरेटिव की लड़ाई इसलिए हारी है क्योंकि जो बीजेपी के, अब देखिए मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बहुत तीखी तीखी बातें बता रहा हूं और बहुत बुरी लगेंगी लोगों को, लेकिन सच ये है कि दो तरह का मीडिया हो गया। एक मीडिया वो जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है, जिसको मैं कहता हूँ लेफ्ट की लश्कर मीडिया, और दूसरा वो मीडिया जिसको कि लश्कर मीडिया कहता है कि साहब ये गोदी मीडिया है। यानी जो सारे कई कई न्यूज़ चैनल्स जो कि अक्सर जो है मोदी के समर्थन में खबरें दिखाते हैं, उनको ये कहा गया कि साहब ये गोदी मीडिया है। मैं तो कहता हूँ कि साहब वो लश्कर मीडिया है, जो अजीत तंजीम और रवीश कुमार सारा गैंग जो है। तो दरअसल इन दो मीडिया के बीच एक जो कहते हैं कि नैरेटिव की लड़ाई हुई, और इस नैरेटिव की लड़ाई में अगर देखा जाए तो जिसको कि कहते हैं कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से पीछे हो गए। और वो इसलिए पीछे हो गए क्योंकि उनके ऊपर एक लेबल लग गया, और लेबल ये लग गया कि ये जो है बीजेपी का मीडिया सेल है, ये लेबल लग गया कि ये तो गोदी मीडिया है। और उनका जो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा था कि ये गोदी मीडिया है, वो एकदम सफल साबित हुआ। नैरेटिव की लड़ाई जो थे वो न्यूज़ चैनल्स या जो मोदी के समर्थक पत्रकार थे वो हार गए, और इस नैरेटिव की लड़ाई हारने के कारण ये बीजेपी की जो सीटें हैं ये 60 सीटें 70 सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। लेकिन सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई अगर जीत, मतलब अगर नैरेटिव की लड़ाई हारे इसलिए भी ये सीटें कम हुई हैं, या हम ये भी कह सकते हैं, कहने को तो ये भी हो सकता है कि शायद नैरेटिव हमारा मजबूत था इसीलिए हम 240 सीटें जीतने में कामयाब रहे, जबकि बीजेपी की तरफ से बहुत भारी गलतियां की गईं। आप सोचिए कि पूरा का पूरा यूपी का चुनाव जो था उसमें मुझे लगता है कि शायद अमित शाह को, मोदी को ये लगा कि हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, हमने राम मंदिर बना दिया है, हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, हम खंभा भी अगर चुनाव में लड़ेगा तो खंभा भी चुनाव जीत जाएगा, ये उनका माइंडसेट था। लेकिन वो इस माइंडसेट का, उनका जो माइंडसेट था वो मुझे लगता है शायद गलत साबित हुआ, और यही वजह है कि उनको यूपी की समीक्षा करने में, यूपी को समझने में एक बार फिर से उनको भारी चूक हुई, और यही वजह है कि यूपी का चुनाव वो हारे। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ इतने सालों के अब अनुभव में, मुझे ये लगता है कि चुनाव जीतने के लिए भावनात्मक मुद्दों का होना बहुत आवश्यक है, और बीजेपी कोई भी भावनात्मक मुद्दा पैदा करने में सफल नहीं हो पाई, इसीलिए उसकी सीटें जो थी वो गिर गई। और उसकी सीटें जो आई हैं ये वही ठोस सीटें हैं, ये वही ठोस वोट है जो उसकी विचारधारा का वोट है, या जो उसने यही यहाँ वहाँ से गैदर किया ये वोट है। बाकी अगर देखा जाए तो बीजेपी उस वोट को हासिल नहीं कर पाई जिसको कि वो नैरेटिव की लड़ाई करके उसने जीता था। तो सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, मुझे मित्रों की अब बीजेपी के लिए संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है, और संकट इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ के सिंहासन को हिलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ना सिर्फ इसके लिए बाहर से नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसके लिए देश के अंदर जो आतंकवादियों का लैपडॉग मीडिया है, जो लश्कर मीडिया है, वो भी लगातार नैरेटिव तैयार कर रहा है। लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि नड्डा और अमित शाह की योगी से नोकझोंक हो रही है, इस तरह की झूठी बातें प्रचारित की जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है वो इस्तीफा देने जा रहे हैं, और लड़ाई आपस में चल रही है, इनकी कलह चल रही है, योगी का इस्तीफा ले लिया जाएगा। यानी ये पूरी तरह से देखा जाए तो बीजेपी के अंदर की अंदरूनी कलह की बात करके वोटर को, जनता को पूरी तरह से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सेम वैसे ही स्थिति बन रही है जैसे कल्याण सिंह और अटल जी के बीच की एक लड़ाई हुई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह की जो लड़ाई थी उस लड़ाई के चक्कर में यूपी का कितना बड़ा बंटाधार हुआ, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद जानते हैं कि बीजेपी कितने दिनों तक इसके बाद सत्ता से दूर रही कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी की आपसी रंजिश कहें, आपसी उनकी जो एक मतभेद था उसमें कहें हम। तो अभी कुल मिलाकर के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि बीजेपी को सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना होगा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे, हार की समीक्षा होगी, लेकिन इसमें सही कारणों को देखा जाएगा, इसमें इसकी गाज योगी आदित्यनाथ पर नहीं गिरेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो बीजेपी को ये करनी चाहिए कि उसे अपने अंदर जो भी बातें चल रही हैं कि कोई अंदर कला है नहीं है, उसको लेकर के प्रवक्ताओं को मुखर होना चाहिए। और तीसरी सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो लैपटॉप मीडिया है हाफिज सईद का कसाब का, ये जो पूरा लश्कर मीडिया है, ये लश्कर मीडिया को अगर बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है सोशल मीडिया साइट्स पे, तो इसको लेकर के बीजेपी को निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, पावर बैलेंस होना चाहिए, एक सेम बैकग्राउंड होना चाहिए। आप देखिए हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं राष्ट्रवादियों के, उनको उतनी ज़्यादा जो है रीच नहीं मिलती है, तो इस पर जो है काम करना होगा मुझे लगता है कि जितना भी पूरा सरकार है, क्योंकि
अगर इस पर आप काम नहीं किया तो आगे की लड़ाई बहुत टफ है। साल 2027 में यूपी के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव ने भले ही शिवपाल यादव को विधानसभा का नेता बना दिया है यूपी के अंदर विधानसभा का, लेकिन भले ही वो दिल्ली आ गए हैं, भले ही वो दिल्ली की राजनीति संभालेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अखिलेश यादव की नज़र अगर कहीं है तो लखनऊ पर हमेशा रहेगी। और अखिलेश के निशाने पर, अखिलेश के दिमाग में कहीं अगर कुछ है तो वो यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी है। अखिलेश की ताकत भी बड़ी है, 37 सांसद भी उनके जीते गए हैं, 5 सांसद उनके परिवार के ही सब मिला के हो गए, तो आप समझ लीजिए कि अखिलेश यादव अब पूरी ताकत लगाएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, किसी तरह से भी अखिलेश यादव को, यादव योगी आदित्यनाथ को सत्ता से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थितियों में अब बीजेपी को बहुत ज़्यादा दम से, बहुत ज़्यादा ताकत से काम करना पड़ेगा। पेपर लीक के जो मुद्दे हैं इनको लेकर के ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। पेपर लीक को लेकर कानून पास करने जा रहे हैं योगी जी, और कहा यह जा रहा है कि उसमें कुछ बड़ी कार्रवाई की करने की गुंजाइशें होंगी, लेकिन मेरा ये साफ साफ कहना है कि पेपर लीक जो है वो देश के लिए कलंक बन चुका है। पेपर लीक करने वाले गुनहगारों को सीधे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मैं अतिशयोक्ति वाली बातें कर रहा हूँ, मुझे लग रहा होगा कि आप कहेंगे कि यार ये अतिवादी हैं, लेकिन मैं अतिवादी नहीं हूँ। राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता राजनीति में। अगर राजनीति में अगर राष्ट्रवादी ताकतों के सामने अगर इस तरह के माफिया, नकल माफिया आ रहे हैं तो इनकी जान की कोई कीमत नहीं है, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए। अगर ये इस तरह से पेपर लीक कर रहे हैं इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, और जब इनको मृत्युदंड मिलेगा तो इसके बाद पूरे देश में मैसेज जाएगा। एक बार जब मृत्युदंड मिलेगा एकाध लोगों को ना, तो इसके बाद सारे जो पेपर माफिया हैं वो चुपचाप समझ जाएंगे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी होता क्या है कि पेपर ये लीक करते हैं और इसके बाद ये छूट जाते हैं जमानत पर, और इसके बाद फिर ये नए अपने पेपर लीक में लग जाते हैं। तो ये जो लचर कानून है इसको बदलने की बहुत सख्त आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है मित्रों। और मेरा आपसे ये भी प्रार्थना है कि हमारे वीडियोज़ को आप खूब सबको शेयर कीजिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अगर हम जयपुर डायलॉग्स की बात करें, अगर एक अभिषेक तिवारी जी शो लेके आते हैं उनकी बात करें, एक जो है हर्ष की बात आता है उसकी हम बात करें, जितने भी ये सारे के सारे राष्ट्रवादी यूट्यूब चैनल हैं, इन सबके वीडियोज़ को आप सबको ज़रूर शेयर करें, सब लोग ज़रूर देखें, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो नैरेटिव की लड़ाई कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। यूट्यूब का एल्गोरिथम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम तो लोगों को शेयर कर सकते हैं ना, तो आपको सबको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना है। नमस्कार, धन्यवाद।